दो अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, भजन लाल को कमान सौंपी गई है और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। राज्यपाल के यहाँ पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्रा को पत्र दिया और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और सरकार बनाने के लिए न्योता भी दे दिया गया है राज्यपाल की तरफ से और 15 तारीख को ये शपथ ग्रहण होने वाला है। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, न्यूज नेशन से बोले भजन लाल के पिता किशन स्वरूप शर्मा, उन्होंने कहा कि बेटे के सीएम बनने पर बेहद खुश हूं। बिल्कुल, उन्होंने कहा बचपन से ही बेटा मेरे काफी करीब था और अब पिता की भावनाएं सामने आई। उन्होंने कहा कि मैं बेहद खुश हूं अपने बेटे के सीएम बनने से। भजन लाल जी के घर पर हम मौजूद हैं और उनके पिताजी से हम बात करते हैं, वो भरतपुर कब आए थे और किन किन पदों पर रहे थे? कब आए थे आप भरतपुर? कब आए थे भैया? मैं बाबा 15 गाँव अटारी था, वहाँ से कब आए थे? यहाँ 15 में 2015 में आए। भजन लाल जी जो यहाँ पार्टी में रहे थे वो किस तरह का काम करते थे और क्या आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं? काम भाई बहुत बढ़िया काम करा सरपंच रहे। बचपन में कैसे थे वो, कैसे काम किया करते थे? और सबसे ज्यादा भैया वो धर्मा भगत है बचपन बचपन कैसा था उनका? बचपन में कैसे अब आपको कैसा लग रहा है प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं? बहुत बढ़िया। क्या उम्मीद करते हो आप आपके बेटा क्या काम करके दे? बेटा ये उम्मीद वाली बात ना है, परमात्मा के हाथ की बात है। परमात्मा करे जो हो, हमारी उम्मीद क्या बने। शुरू से भरतपुर जिले से काफी लगाव रहा और भरतपुर जिले आकर काफी टाइम रहे, भरतपुर जिले से जिला अध्यक्ष भी थे, प्रदेश महामंत्री बने और उसके बाद आज प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके। उनकी एक खास आदत थी कि जब भी भरतपुर आया करते थे तो गिरिराज जी के दर्शन करने जरूर जाया करते थे और गिरिराज जी की मेहर है कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, भजन लाल शर्मा नए सीएम होंगे इसका ऐलान हो गया है और उसके